ये ना दोस्तों, ये आ गए बाहर हमारे शिकरा। और भाई दोस्तों, बहुत रश है, बहुत ज्यादा। यकीन मानो, एक से एक मुर्गा मुर्गी सब आया हुआ है। बाकी आज देखें, माशाल्लाह से हमारी जो छत है वो भरी भरी खुली लग रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और आज है जुम्मे का दिन। तो आके खोलता हूँ भाई, सफ़र कर लिया करो, बात तो करने दिया करो। ये बात नहीं करने देते हमारे जितने जानवर हैं। तो दोस्तों, कल आप लोगों को पता है हम मुर्गा मंडी गए और वहाँ से लेकर आए क्या। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद बताता हूँ कि हम क्या है और आज कहाँ जा रहे हैं और वजह क्या है उसकी पीछे, जो भी काम होने वाला। दोस्तों, माशाल्लाह से ये रहा हमारा शिकरा, जिसको हम कल लेकर आए थे। असील बच्चा माशाल्लाह से, देखें। और एक लाए थे दोस्तों, ये रहा, ये बच्चा है पट्ठा। इसके दोस्तों देखें, खुर बिल्कुल छोटे छोटे इधर से ही दिख रहे हैं, बहुत छोटे हैं। ये जो है ये बड़ा है। ये बाहर निकाले तो मैं दिखाऊँ आप लोगों को। ये ना दोस्तों, ये आ गए बाहर हमारे शिकरा। दोस्तों, ये लाए थे हम कल दो नौ चीज़ें जो आप लोगों को दिखाई नहीं थी मैंने। तो अब ये है कि जो बड़े वाला है उसको हम सेल करने जा रहे हैं बर्ड्स मार्केट में। तो बर्ड्स मार्केट में दोस्तों, इसको हम मैं इसलिए सेल कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है मुझे जो है अपना सेटअप क्रिएट करना है, जनरेट करना है यहाँ पे, और अच्छा सा एक सेटअप बनाना चाहता हूँ। ये नहीं कि बस नॉर्मल ऐसा, मैं चाहता हूँ अच्छा सा। तो उसके लिए मैं ला के सेल कर रहा हूँ ताकि पैसे थोड़े बढ़ें, तो मैं अच्छा सेटअप बना सकूँ। हर करना पड़ता है दोस्तों, हर कोई करता है, जो जिस फील्ड में अच्छा होता है उधर से वो पैसे कमा के फिर अपने आप को बनाता है एक अच्छा वो। तो मेरा भी यही है कि मैं यहाँ पे इंशाल्लाह एक बड़ा सेटअप बनाऊँ, इधर या इधर जो भी छत पे कहीं भी इंशाल्लाह अच्छा सेटअप कर लूँ। तो इस वजह से मैं इसको सेल करने के लिए लाया था दोस्तों, रखने के हवाले से नहीं लाया था, सेल करने के हवाले से लाया था। वो जो है छोटा, वो भाई ने लिया था, उनका नहीं पता, वो क्या पता रख भी लें या क्या पता वो सेल आउट भी कर दें। तो यही थी वजह दोस्तों कि इस वजह से मैं शिकरे को शिकरा नाम रख दिया था मैंने कल इसका। माशाल्लाह तो खूबसूरत है और बड़ा भी है, तो मैंने इसका नाम शिकरा रख दिया हमारे असील का। तो इस वजह से दोस्तों इसको हम आज बेचने जा रहे हैं बर्ड्स मार्केट। तो खैर दोस्तों, बस मैंने बोला शेयर करूं आप लोगों से ये चीज़ कि बस दिल में एक बात नहीं रहती है, शेयर करनी नहीं चाहिए, तो इस वजह से बात शेयर करनी थी। खैर दोस्तों, इन सबको भाई देख लेंगे, दाना पानी मैंने उन्हें बता दिया और डाल देंगे, हम चलते हैं मार्केट और इसको बेच कर आते हैं। चल भाई दोस्तों, बहुत रश है, बहुत ज़्यादा। यकीन मानो, एक से एक मुर्गा मुर्गी सब आया हुआ है। मैं बोलता हूँ जो हम गए थे टंड वाला यार, उससे ज़्यादा रश हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वो देखें सामने मुर्गे पूरी हर तरफ, यहाँ भी मुर्गे और सारे का सारा मुर्गा लगा पड़ा है। जितना आपको चाहिए माल सारा मिल जाएगा। और हम शिकरे को बेचने में लगे हुए हैं, शिकरा ये रहा, ये बिकता है। तो हम फिर चलते हैं घर दोस्तों। दोस्तों घर आ गया हूँ और आज जो ये है कि बहुत ज़्यादा बर्ड मार्केट में कम आए हुए थे, बहुत ज़्यादा ख़रीदार, इस वजह से हमारा जो शिकरा है वो घर ही आ गया। वापसी शिकरे को हम लेकर आ गए क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ख़रीद के बेचने वाले ज़्यादा खड़े होते हैं, आप लोगों को पता है, ऐसे बहुत आते हैं लोग। तो मुझे जो है वो सेटअप क्रिएट करने के लिए इतने चाहिए कि जितने का मैंने लिया है तकरीबन उस पर थोड़े से ऊपर मिलेंगे, तो मैं पैसे जमा कर करके इंशाल्लाह अच्छा सेटअप करूँगा यहाँ पर फिर। तो उस चीज़ की बस ज़रूरत है। बाकी आज देखें, माशाल्लाह से हमारी जो छत है वो भरी भरी खुली लग रही है। दोनों मिस्री मुर्गियाँ हमारी, और ये भी खोल दिया काला, येरा बच्चा और बुरा बच्चा, ये आपस में अभी तो नहीं लड़ रहे फिलहाल दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतने लड़ते हैं। और एक और चीज़, हमारी जो वो मिस्री मुर्गी है दोस्तों, वो आ गया अली। वो यार कल बाहर रोड पर घूम रही थी और मैं बहुत परेशान हो गया कि वो रोड पर क्या कर रही है। बाकी हमारी डक्स और ये खुली हुई है, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। देर हो रही है, मैं जाऊँ नहा धो के, नमाज पढ़ के आके फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं छत पे। दोस्तों नमाज वगैरह पढ़कर आ गए भाई, आप सबको जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। और हमने जो है हमदा आया हुआ है, हमने इधर से जो पिंजरा है दोस्तों हमदा के साथ मिल गया, मैंने इधर करवा दिया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और डेली बेसिस पे इधर धूप आती होगी, देखिए ना पूरी की पूरी अभी भी आ रही है, तो इसलिए धूप की वजह से हमने इस पिंजरे को इधर सेट कर दिया है अब। और एक और चीज़, इस बच्चे को भी हम छत पे ले आए दोस्तों, हमने बोला पिंजरा खाली है तो इसको भी ऊपर ही रखेंगे,
नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ काला खान हमारा और जो सफ़ेद खान है जो वो, और बस वही रहेंगे और कंधारी बच्चे हमारे, ताकि वो सेट रहें। आज लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक साथ खुलने में इनका सारा काम करें, हम आगे पीछे करें, जितना सामान वगैरह है सेटल करूँ। दोस्तों सब कुछ शिफ्ट कर दिया है, इनको यहाँ रख दिया है, इस पिंजरे को यहाँ लाके रख दिया है, और हमजा जो ऊपर चढ़ के वो यहाँ से फिर से बांध रहा है इसको रस्सी से बांधने का इस वाली, क्योंकि वो जो रस्सी है वो बहुत बेकार है और ढीली है। वहाँ से भी हमने सेटिंग करी है दोस्तों, दीवार की किनारी जो है वो छील ली थी उसको, तो टेप लगा दिया, वो अब नहीं छिलेगी। बाकी दोस्तों एक और चीज़ हुई है, हमारे जो बर्ड्स हैं उनको भी हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आज शिफ्टिंग ही शिफ्टिंग चल रही है बस। दोस्तों काफ़ी भाई थकन के बाद पूरी के पूरी शाम होने को आ गई है, लगाने 6 बजने वाले हैं, और हमने बोला इनको खोल के दाना पानी करते हैं सारों को, फिर हम जो हमारी बर्ड्स वेरी सेटअप था जो मेरा, तो उसको ऊपर लाना है दोस्तों। ये जो है हमारा वो आ जाएगा ऊपर, अब ऊपर हम यही फैसला कर रहे हैं इधर रखें या फिर उधर रखें समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाई बोल रहे हैं उसको ला के उधर लगा दो उस वाली दीवार पर, इस वाली दीवार पर मना कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं यहाँ पर सेफ नहीं है, वो जो चूहा था जिसको मैं गब्बर बोलता था आ जाएगा, तो वो आ जाता है और वो बोल रहा है कि वो मार दे, और वाकई में वो मार देगा क्योंकि उसको ज़रा सी जगह चाहिए वो घुस जाएगा और ख़त्म कर देगा सारों को। तो यहाँ लगाने का सेटअप हो रहा है दोस्तों। एक और चीज़ दोस्तों, हमने इसको भी पक्का कर दिया है, ये देखें इसमें पाइप डाल के हमने दोनों तरफ से बांध दिया है, उधर से भी बांध दिया है और ये वाला साइड भी बांध दिया है। अब ये ऐसा काम करा है कि इसको निकलने में काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि दोस्तों तरपाल तो फट जाता था कोनों से, पर यहाँ से ये पक्का हो गया है बिल्कुल टाइट। खैर चलें दोस्तों, अब इनको हम दाना वाना डाल दिए, बंद बंद करें और फिर इसको लाते हैं ऊपर और रख के फिर मैं वीडियो को एंड करता हूं, क्योंकि बहुत लंबी खिंच जाएगी आज वीडियो। ये दोस्तों ले आए हम ऊपर, आप लोगों ने देखा जैसे तैसे, भाई बड़ी मेहनत करवा दी है यार, बड़ी मेहनत हो गई है, मैंने इन सबको भी लगवा दिया काम पे, मतलब आ जाओ और भाई वगैरह यहाँ सेट करना है, कुछ भी करके करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया दोस्तों, सारे हमारे सो रहे हैं आराम से सुकून से। हाँ ये ऐसे ही टाइट होता है, अंदर की तरफ धकेल हम दो, अंदर की तरफ दिख रहे हैं कुंडे या पीछे से दिखाऊँ आगे, ये ले जुड़े से निकाल दे, थके हुए जुड़े, मैं भी यही बोल रहा हूँ। दोस्तों सारे का सारा इंतजाम कर दिया भाई, जो हमने सेटअप करना था कर दिया, कल आपको सेटअप दिखाऊंगा और वजह बताऊंगा कि मैंने बर्ड्स वेरी जो है वो ऊपर शिफ्ट क्यों कर दी उसकी वजह, और सेटअप भी दिखा दूंगा कल, और लुटीनो क्यों बेचे हैं वो भी कल बताऊँगा। तीन चीज़ें मेन हैं, वो तीनों चीज़ें मैं कल ही बताऊँगा आपको दोस्तों। अभी रात हो गई है और वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है कल वाली दोस्तों, तो भाई बहुत परेशानी है, और दोस्तों मैं बहुत थक गया हूँ यकीन माने। फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिर भी मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।